बड़ी खुशी और शांति के साथ ईद मनाया गया। सुबह काजी चौक जामा मस्जिद से मुस्लिम समाजजनों ने अपना पेशवा शहर काजी शफीउल्लाह के साथ जुलूस की शक्ल में ईदगाह पहुंचे, जहां पर ठीक 10 बजे शहर काजी ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद मुल्क की तरक्की और शांति के लिए दुआ मांगी। इसके बाद सभी बच्चों और बड़ों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान शहर काजी एवं अंजुमन सदर सहित इमामों का मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। ईदगाह पर विधायक महेश परमार सहित कांग्रेसजनों ने शहर काजी एवं मुस्लिम समाज के ईद की बधाई प्रेषित की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी एडीओपी रविंद्र बोयर, थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा पूरी टीम के साथ मौजूद थे। और ये त्यौहार पूरे एक महीने के रोजे के बाद आता है, इससे ईद की खुशी बहुत बढ़ जाती है। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। सभी दूर सभी कराना नगर के हमारे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। हमारा प्रदेश नगर तरक्की करे और आपस में हम सब मिलजुल कर रहे हैं, यही मेरा संदेश। प्रशासनिक सहयोग कैसा रहा सर? सारा प्रशासनिक धन्यवाद। नगर के लोग और सभी को खुशियों में शामिल होने का हर त्यौहार में एक संदेश है। एक हमारा हिंदुस्तान आस्था का प्रतीक है और श्रद्धा रखता है हर धर्म के अंदर। इसी तरीके से ईद और बकरा ईद और मुहर्रम दीपावली सभी एक मिलजुल कर मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। सर, अंजुमन इस्लामी कमेटी की तरफ से मुस्लिम समाज की तरफ से चंदा इकट्ठा करके बैतुल माल एक जो बनाया गया है उसमें गरीबों की मदद होती है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? उसे एक गरीबों की एक मदद के रूप में, ताकि हमारा भाई भी जो है हमारे साथ में खुशियों में शरीक हों और नए कपड़े पहनकर और पूरे सामान के साथ उसके घर में वो भी खुशियाँ मनाए, एक नगर में उसका अच्छा माहौल बने। हमारे उसमें हिंदू भाइयों को भी हम मदद देते हैं, कुछ लोगों की गिनती उसमें है जो हिंदू भाई भी हमारे साथ में उन मदद में शामिल हो जाते हैं और इसमें हमारे हिंदू भाई भी मदद करते हैं। आगे भी चलता रहेगा ये? बिल्कुल आगे भी चलता रहेगा, ऐसा 16 साल से चल रहा है लगभग, और ये जो है आगे भी चलते ही रहेगा और नगर के सहयोग से ही चलता रहेगा। धन्यवाद।